तो ये इसका सिलेंडर हेड हमने ओपन कर लिया है और जो गाड़ी हीट होने से जितना भी कूलेंट था वो सारा डायरेक्ट पिस्टन में जा रहा था, जैसा कि आप बोर्ड देख सकते हो। नमस्कार, ये गाड़ी मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर है और इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम है वो ओवर हीटिंग की है। मीन जो गाड़ी है वो ओवर हीट हो रही है और जो गाड़ी है वो 95,000 किलोमीटर चल चुकी है और आज हम इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम है ओवर हीटिंग की सो उसे सॉल्व करने वाले हैं। मीन जो गाड़ी है ओवर हीट हो चुकी है। ये गाड़ी मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर है और आज हम इस गाड़ी का सिलेंडर हेड रिमूव करेंगे और उसको फेस करवाएंगे। मीन्स जो जितना भी कूलेंट है सब बाहर फेंक दे रहा है रेडिएटर के थ्रू। मीन्स जो इसकी हेड गैस्केट है वो ख़राब हो चुकी है और जो सिलेंडर हेड है उसका भी काम होगा। तो करते हैं इस गाड़ी को ऑफ, सो उसके बाद हम इसका आज हम इंजन जो सिलेंडर हेड है उसे करते हैं रिमूव। सो इस जगह इसका लीवर है जिससे हम बोनेट ओपन करेंगे। ये इसका जो बोनेट या हुड है वो हमने ओपन कर लिया है और जो गाड़ी में प्रॉब्लम है वो ओवर हीटिंग की है। मीन जो गाड़ी है वो ओवर हीट हो चुकी है और ये इसका इंजन ऑयल कैप है। कैप में कलर है इंजन ऑयल का वो मिल्की टाइप हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हो। ये कलर तब होता है जब गाड़ी में इंजन ऑयल और कूलेंट दोनों मिक्स हो जाता है, तब इसका जो कलर है वो मिल्की टाइप हो जाता है। तो आज हम इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं और जो सिलेंडर हेड में फेस है वो भी होगा और भी जो पार्ट्स है डिफेक्ट है वो तो सारे कंप्लीट रिप्लेस करेंगे। करते हैं इसकी फिटिंग को रिमूव। ये गाड़ी मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर है, के सीरीज इंजन। अब जो बारी है इसका सिलेंडर हेड हमें रिमूव करना है और जितनी भी इसकी फिटिंग है जैसे टैपेट कवर हो गया, एयर फिल्टर कंप्लीट, टाइमिंग साइड, इंजन माउंटिंग, सीएनजी फिटिंग, सीएनजी वायरिंग सब कंप्लीट रिमूव करेंगे। बैटरी हो गई, सारी फिटिंग टोटली कंप्लीट रिमूव कर देंगे, जैसे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, इनलेट मैनिफोल्ड, कूलेंट, ऑयल सम, इंजन ऑयल सब कंप्लीट रिमूव कर देंगे। तो इस जगह टाइमिंग साइड है ये भी रिमूव होगी। तो करते हैं इसे कंप्लीट रिमूव। तो ये इसकी इग्निशन कॉइल, इनलेट मैनिफोल्ड हमने रिमूव कर लिया है और जितना भी कूलेंट था सब ड्रेन कर लिया है, इंजन ऑयल हमने ड्रेन कर लिया है और जो बाकी फिटिंग है अब हम उसे रिमूव करेंगे। जैसे हमारे स्टार्ट मोटर और अल्टरनेटर को हम रिमूव नहीं करेंगे, इस जगह इसका इनलेट मैनिफोल्ड लगा हुआ था तो वो हमने रिमूव कर लिया है और ये इसका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है ये भी हम रिमूव करेंगे। इस जगह इसका टाइमिंग सेट है, इंजन माउंटिंग रिमूव करेंगे, टाइमिंग कवर रिमूव करेंगे, टाइमिंग रिमूव करेंगे। जब तक टाइमिंग रिमूव नहीं करेंगे तब तक सिलेंडर हेड बाहर नहीं आएगा कि वो गियर के थ्रू अटैच होते हैं। और जितनी भी इसकी फिटिंग है बाकी बच रही है जैसे टैपेट कवर, सिलेंडर हेड, तो अब ये रिमूव करते हैं। जो उसका टैपेट कवर है ये हमने रिमूव कर लिया है और ये इसका इंजन ऑयल का कलर है ये मिल्की टाइप। तो सारा इसका इंजन ऑयल रिमूव होगा तो सारे पार्ट्स इसके क्लीन होंगे। और अब जो बारी है इसका टैपेट कवर रिमूव होने के बाद जितनी भी इसकी कीमें हैं, जैसे दो इसकी कीमें हैं, एक इनलेट कीम एंड एक एग्जॉस्ट कीम, टाइमिंग साइड, तो सारा हम कंप्लीट इसका रिमूव करेंगे। और जितनी भी इसकी नॉर्मल फिटिंग थी हमने जैसे इनलेट मैनिफोल्ड, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड एक्सेट्रा फिटिंग सब हमने रिमूव कर ली है। अब ये जो चेन देख रहे हो ये इसकी टाइमिंग चेन है तो ये भी रिमूव करेंगे। उसके बाद हम इसका सिलेंडर हेड इजीली रिमूव कर पाएंगे। ये इसका इनलेट मैनिफोल्ड है जो हमने स्टार्टिंग में ही रिमूव कर लिया था। ये इसका टैपिट कवर या सिलेंडर हेड कवर है, इसमें इतना ये देख सकते हैं हीट होने से
इसमें इतना इंजन ऑयल का कलर चेंज हो चुका है। इस जगह इसका इनलेट मैनिफोल्ड था जो अभी दिखाया, ये इसकी टाइमिंग साइड है, ये भी रिमूव होगा, कवर, टाइमिंग कवर। तो अब इसका टैपेट कवर और या सिलेंडर हेड कवर और इनलेट केम, एग्जॉस्ट केम दोनों हमने रिमूव कर लिया है, और जितने भी इसकी टाइमिंग साइड की फिटिंग थी जैसे चैन, गाइडे, एडजस्टर, तो सारा कंप्लीट रिमूव कर लिया है। अब जो बारी है वो सिलेंडर हेड रिमूव करने की है, और जितने भी इसकी फिटिंग थोड़ी रह गई तो सब कंप्लीट हम इसे रिमूव कर देंगे, जैसे सिलेंडर हेड, बोल्ट्स, सब रिमूव कर देंगे। और ये इसके पार्ट्स है जो हमने रिमूव किया, जैसे इंजेक्टर, गैसकेट, और भी पार्ट्स है, ये टाइमिंग कवर है, बाकी इसकी ये केम है, इनलेट केम एंड एग्जॉस्ट केम। तो अब जो फिटिंग बाकी रह चुकी है तो सारी अब कंप्लीट रिमूव कर देंगे, उसके बाद हम दिखाएंगे इसमें आखिर प्रॉब्लम क्या हुई, जो गाड़ी हीट हो चुकी है और जिससे क्या पार्ट इसका डिफेक्ट हो चुका है। तो अब इसका सिलेंडर हेड रिमूव हो चुका है और ये इसका इंजन ब्लॉक है, ये इसका सिलेंडर है, तो सिलेंडर में ही पिस्टन मूव होता है और जितना भी कूलेंट था वो डायरेक्ट पिस्टन में आ रहा था, हर पिस्टन में, लेकिन सेकंड नंबर में ज़्यादा था जिससे पानी रुक नहीं रहा था और गाड़ी ज़्यादा ही हीट हो रही थी। तो ये इसका सिलेंडर हेड है और जो प्रॉब्लम है गाड़ी ओवरहीट होने की, जितना भी ये सेकंड नंबर वॉल्व देख रहे हो तो इसमें डायरेक्ट कूलेंट आ रहा था पिस्टन पे, और जो गाड़ी हीट होने से ही ये प्रॉब्लम आई है। और ये इसका सिलेंडर हेड की ऊपर साइड की फिटिंग देख सकते हो, जितने भी सब हमने रिमूव कर लिया है, तो स्पार्क प्लग रिमूव करना रह गया, इस जगह इसका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड था। और ये देख सकते हो बाकी में भी थोड़ा जंग टाइप है वॉल पे, तो सब पिस्टन पे है लेकिन कम है, जो सेकंड नंबर पिस्टन है इस पे सबसे ज़्यादा कूलेंट आ रहा था, जो गाड़ी में पानी है वो रुक नहीं रहा था जिससे गाड़ी ओवरहीट हो रही थी। और ये इसका हेड गैसकेट है और ये इसके पार्ट्स है सिलेंडर हेड के, ये इसका सिलेंडर हेड, बोल्ट, इग्निशन कॉइल, फ्यूल इंजेक्टर, केम सेंसर, तो सब पार्ट इसके रिमूव हो चुके हैं और इसके जितने भी गैस किट है सब रिमूव है। तो अब जो बारी है, ये इसका इंजन ब्लॉक है, ये भी हमने दिखा दिया, जो सेकंड नंबर में सबसे ज़्यादा कूलेंट आ रहा था। इस जगह इसकी टाइमिंग साइड है, ये इसका वाटर पंप, इसका जितना भी पार्ट्स है, टाइमिंग कवर, ऑयल सम, सो सब पार्ट्स रिमूव कर लिए हमने, तभी इसका सिलेंडर हेड रिमूव होता है। तो अब जो सिलेंडर हेड है वो फेस होगा, तो उसके बाद हम इसके सब पार्ट्स क्लीन करके फिट करेंगे। तो ये जो ब्लॉक है ये टोटली कंप्लीट हो चुका है, वो तो जो पहले प्रॉब्लम थी ओवरहीटिंग की, तो इस जगह ज़्यादा कूलेंट आ रहा था, तो ये भी हो चुका है कंप्लीट। तो फाइनली ब्लॉक कंप्लीट है और हेड भी हो चुका है, और जो हेड है वो फेस हो चुका है, तो जितनी भी फिटिंग है तो सब हमने रिमूव के लिए सब फिट कर दिए, जैसे अल्टरनेटर ये फिट था, ये स्टार्टर मोटर, ये इसका अल्टरनेटर, वाटर पम्प, तो यहाँ से एक पाइप आएगी सो वो भी करेंगे भी फिट, ये इसका एसी कंप्रेसर है, इस जगह इसकी टाइमिंग फिट होगी, ये इसका क्रैंक स्पॉकेट जिसमें हमारी चेन ड्राइव होगी। तो पहले जो था इसमें इस जगह ज़्यादा ही कूलेंट आ रहा था, जो हीट होने से डायरेक्ट पिस्टन में आने लग रहा था, तो औरों में भी था, औरों में लेकिन कम था, तो सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पिस्टन में था। तो अब जितनी भी इसकी फिटिंग है सब अब कंप्लीट करेंगे हम, सिलेंडर हेड फिट करेंगे, तो उससे पहले हम इसमें सिलेंडर हेड गैसकेट लगाएंगे। सो इस जगह इसकी ये टाइमिंग साइड है, ये देख सकते हो, तो जितनी भी फिटिंग थी सारी कंप्लीट कर दी है।
इसको करते हैं बाकी। तो ये जो हेड है ये टोटली फेस हो चुका है, सो क्लीन भी कर लिया है। जो पहले प्रॉब्लम थी इसकी, जो सेकंड नंबर ये पिस्टन था, तो इसमें जो कूलेंट था वो सारा आ रहा था, जिस वजह से क्या हुआ था इंजन में बिल्कुल भी कूलेंट नहीं था, तो गाड़ी ओवरहीट हो रही थी। तो ओवरहीट होने से ही इसमें जो कूलेंट है वो आया था पिस्टन में। तो अब जो इसका फेस है वो प्रॉपर हो चुका है, और जो फेस है ये गाड़ी में फर्स्ट टाइम हो रहा है सिलेंडर हेड का काम। तो अब इसके बाद एक बार और होगा, तो ये जो हेड है वो वेस्ट हो जाएगा फिर। तो अब जो हेड की है वो फेस भी हो चुका है, बाकी अब जो बारी है इसे फिट करने की है। वो सुनील भाई तो ये पूरा फेस हो चुका है। तो अब जो इस जगह ये फिट होगा, सो ये इसकी ऑयल लाइन है, सो ये लाइन हमें देखनी पड़ेगी। सो इस जगह ही आनी चाहिए जो इसकी ये है, जो जितना भी ऑयल है वो सारा हेड में इस लाइन से आता है। करते हैं बाकी इसकी फिटिंग को। तो अब ये जो हेड है टोटल फाइनली कंप्लीट फिट हो चुका है। तो अब बारी है ये सिलेंडर हेड के बोल्ट है, तो सारे लग के 10 टोटल बोल्ट है, तो 10 के 10 लग के फिर टाइट हो जाएगा सिलेंडर हेड। तो उसके बाद हम इसकी बाकी फिटिंग करेंगे, जैसे कीम हो गई, टाइमिंग साइड, तो सारा कंप्लीट करेंगे। उससे पहले इसका सिलेंडर हेड कंप्लीट टाइट करेंगे, तो उसके बाद हम इसकी फिटिंग करेंगे साइडों की, जैसे इनलेट मैनिफोल्ड हो गया, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड हो गया, तो सारी जितनी भी इसकी कूलेंट की हाउस पाइप है तो सारी कंप्लीट करेंगे। तो इस जगह से इसका वाटर पंप के यहाँ से एक पाइप आ रहा था लोहे का, तो वो भी फिट करेंगे टोटली। इसकी हीटर कोर की भी फिटिंग करेंगे, सीएनजी की फिटिंग जो हटा रखी है हीटर कूलेंट की, तो सारी कंप्लीट करेंगे। तो करते हैं फाइनल पहले टाइट, तो उसके बाद करते हैं इसकी फिटिंग को। ये जो गाड़ी है मारुति सुजुकी स्विफ्ट है, सबसे पहले इसे टाइट फाइनली, फिर आगे की प्रोसेस करते हैं स्टार्ट। अब जो सिलेंडर हेड है ये प्रॉपर हो चुका है फाइनली टाइट। अब जो बारी है इसमें एक ग्लास लगते हैं, तो टोटल 16 हैं, तो 16 वाले तो 16 ग्लास लगेंगे, जिससे होता क्या है जितने भी टैपिट है तो सारे एडजस्ट करने नहीं पड़ते। तो ये इसके ग्लास है, तो अब ये ग्लास पहले फिट होंगे, तो उसके बाद इसकी ये दोनों केम फिट होगी, एक एग्जॉस्ट है एक इनलेट केम है। तो पहले इसके ग्लास फिट करते हैं जगह, तो करते हैं स्टार्टिंग अब इसके ग्लास फिट करने से। तो सारे ग्लास इसके कंप्लीट फिट करते हैं, बाकी जितना भी सिलेंडर हेड था ये प्रॉपर हमने क्लीन कर लिया था, तो बाकी अब जो है इसकी फिटिंग करने की है। सो ग्लास फिट करने के बाद इसकी दोनों हम केमें फिट करेंगे, एक इनलेट और एक एग्जॉस्ट, तो उसके बाद इसकी टाइमिंग फिट करेंगे। तो करते हैं, तो ये इसकी इनलेट केम है, ये वाली एग्जॉस्ट केम है, तो ये भी फिट हो गया। तो अब जो बारी है इसके कैप टाइट होंगे, तो करते हैं सारे कंप्लीट।
देखते हैं फिर। कसते कसते ये इसकी टाइमिंग चैन है। तो ये इसका हाइड्रोलिक एडजस्टर, दो इसकी टाइमिंग गाइडें हैं जो चेन को एडजस्ट करके रखती है, और ये इसके बोल्ट। तो अब जो बारी है, पहले टाइमिंग चेन लगेगी, फिर पहले टाइमिंग चेन, एडजस्टर, दोनों गाइडें सब कंप्लीट फिट करते हैं। तो सबसे पहले इसका एडजस्टर टाइट होगा, तो उसके बाद टाइमिंग चेन है, फिर उसके बाद ये दोनों गाइड है। तो करते हैं इसे कम्प्लीट टाइट। तो ये हो चुकी है इसकी फिटिंग कंप्लीट। तो अब जो बारी है इंजन टाइमिंग की है। तो ये इसकी इनलेट केम है, ये एग्जॉस्ट केम है, और ये इसकी टाइमिंग चेन है, और ये दो इसकी टाइमिंग गाइडें हैं जो टाइमिंग चेन को एडजस्ट करके रखती है, और ये इसका हाइड्रोलिक एडजस्टर है इस जगह। तो अब जो बारी है टाइमिंग मार्क की, तो इसकी टाइमिंग चेन है। तो टाइमिंग चेन में, तो इनलेट वाली में, ये जो ब्लैक डॉट देख रहे हो, तो इसके नीचे एक पॉइंट है, ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पॉइंट, ये इनलेट चेन की
मार्किंग है, और जो एग्जॉस्ट कीम है, तो एग्जॉस्ट कीम की ये जो डॉट है ब्लैक डॉट, इस एरो के साथ में आएगा। तो ऐसे ही हम इसकी दोनों इनलेट कीमों की टाइमिंग मैच करते हैं। तो और एक और नोट, तो इसमें जो ये एरो है ये कट, तो हमेशा इसके साथ रहेंगे, लाइन में रहेंगे, एक लाइन में, और एक ये कट है तो ये भी लाइन में रहेगा इस जगह की। जो अब बारी है इसकी क्रैंक शाफ्ट टाइमिंग की है, क्रैंक टाइमिंग मार्क। सो ये उसका हाइड्रोलिक एडजस्टर है, सो ये इसकी टाइमिंग चेन, ये जो ब्लैक डॉट है, सो ये इस एरो पे आएगा। तो ये हो चुकी है इसकी फिटिंग प्रॉप फाइनली कंप्लीट। तो इसकी केमें भी टाइट हो गई, और ये इसकी टाइमिंग है, ये टाइमिंग भी हो चुकी है कंप्लीट। तो अब जो बारी है इसका टाइमिंग कवर और टैपिंग कवर हम पहले टाइट करेंगे, तो उसके बाद हम इसकी जितनी भी ये फिटिंग है सब हॉर्स पाइप है तो सारी कंप्लीट कर देंगे। तो ये भी कंप्लीट हो चुका है, ये इसका एडजस्टर है, ये दोनों गाइड है, तो इसकी ये क्रैंक शाफ्ट है फुल्ली, तो ये भी हो चुकी है फाइनली कंप्लीट। तो करते हैं इसे कंप्लीट फिटिंग। जो इनलेट केम है और एग्जॉस्ट केम टाइमिंग चेन की हेल्प से ऐसे रोटेट होते हैं, तो दोनों वॉल की लोब्स को कंट्रोल करते हैं, तो किस टाइम हमारे जो वॉल है वो ओपन होंगे, किस टाइम क्लोज होंगे, ये टाइमिंग से ही डिसाइड होता है। और तो किस टाइम हमें किस सिलेंडर में फायर करना है, अब ये इसकी जो फिटिंग है टाइमिंग चेन की वो तो सारी इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अब जितनी भी इसकी सिलेंडर हेड कवर या टैपिट हेड कवर, टाइमिंग साइड, ऑयल सम, सब सारी फिटिंग अब कंप्लीट कर देंगे, और लास्ट में इसके मैनिफोल्ड फिट करेंगे। उसके बाद हम गाड़ी में इंजन ऑयल फिल करके कूलेंट रिप्लेस करेंगे, दोनों इंजन ऑयल और कूलेंट दोनों रिप्लेस करके गाड़ी करेंगे स्टार्ट। देख सकते हो कि लॉब्स कभी वॉल्व को ओपन कर रही है, कभी क्लोज कर रही है। तो ये फिटिंग एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड टैपेट कवर फिट कर दिया है, तो टाइट रह गया है। तो इस जगह इसकी जितनी भी ये पाइपें थी तो सारी कंप्लीट कर दी है, सीएनजी की सब कंप्लीट पाइपें प्रॉपर कर दी है, तो ये भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब जो बारी है इसका इनलेट मैनिफोल्ड लगाने की है, तो वो फिट करते हैं, उसके बाद हम करेंगे गाड़ी को स्टार्ट। तो करते हैं इसकी कंप्लीट पहले फिटिंग, तो जैसे ये कि बोल्ट रह गए, कॉयले रह गए, इग्निशन कॉयले, सो सारी कंप्लीट करते हैं। तो इस जगह भी हो चुका है टैपिट कवर कंप्लीट, टाइमिंग कवर भी हो गया, माउंटिंग लग गई, इंजन माउंटिंग, तो अल्टरनेटर सब कंप्लीट है। सो ओनली जो है खाली एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड भी हो गया, जो इनलेट मैनिफोल्ड है वो रह गया, तो उसे अब फाइनली कंप्लीट करते हैं। तो इसलिए छोड़ रखा ताकि हमारे जितने भी हॉर्स पाइप है सारे वो कंप्लीट हो जाए। तो करते हैं इसे कंप्लीट। तो अभी इसमें स्पार्क प्लग भी रिमूव करके सारे क्लीन करने हैं, तो कुछ कुछ ये भी रिमूव है, तो सारे रिमूव है। तो करते हैं इसे कंप्लीट। ये गाड़ी है मारुति सुजुकी से डिजायर। तो ये इसके फ्यूल इंजेक्टर हैं, तो ये भी क्लीन हो गए हैं। तो हमारे पास इसकी मशीन है जिससे हम जो इंजेक्टर है वो क्लीन करते हैं, तो सारे रिमूव होके फिर मशीन पे चेक होते हैं, जैसे लीकेज हो गया, गाड़ी में मिसिंग है, तो सारी प्रॉब्लम इसकी सॉल्व हो जाती है इन्हीं से। तो सारे जो इंजेक्टर है पूरे एकदम क्लीन हो चुके हैं, जो हमने इंजेक्टर मशीन है तो उससे हमने क्लीन कर दिए हैं। तो अब जो बारी है इसे फिट करने की है, तो करते हैं इसे फिट। तो ये जो फिटिंग है टोटली फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। सो जितनी भी इसकी ये टैपिट कवर भी हो गया, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, इनलेट मैनिफोल्ड सब कंप्लीट फिट हो चुका है, बैटरी भी हो चुकी है टाइट। अब जो बारी है गाड़ी को स्टार्ट करने की है, तो पहले चेक कर लेते हैं। तो अब इसके बाद इसका जो
एयर फिल्टर है सो सब कंप्लीट कर देंगे, और जितनी भी साइड फिटिंग थी सो सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी है। जैसे ये सीएनजी की जितनी भी पाइपें थी सारी टोटली कंप्लीट हो चुकी है। करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। तो ये गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट, और जो इसमें प्रॉब्लम थी वो ओवर हीटिंग की थी, तो गाड़ी हीट होने की वजह से गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही थी। एक चेक इंजन लाइट आ रही है, ये भी रेस कर देंगे। तो ये गाड़ी हो चुकी है फाइनली कंप्लीट, और गाड़ी स्टार्ट है, और इसमें कोई नॉकिंग ना कोई मिसिंग है, तो गाड़ी जो है प्रॉपर है, और जितनी भी फिटिंग थी तो सारी इसकी कंप्लीट हो गई है। ये गाड़ी अभी सीएनजी पे स्टार्ट है सो अब ये पेट्रोल पे आ चुकी है। तो आप जो इसमें देख सकते हो बिल्कुल भी दोनों पे गाड़ी में कोई मिसिंग नहीं है किसी भी प्रकार की। तो ये फैन ऑन हो चुका है, धीरे धीरे। चढ़ 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 चढ़।